तो आज हम पढ़ेंगे कि एलईडीज के एडवांटेजेस क्या है। कल हमने पढ़ा था फंक्शनिंग एलईडी के पिछले लेक्चर में, आज हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस क्या है एलईडी के। सबसे पहला एडवांटेज तो यही है, इट इज, लिखो जरा, इट इज ऑपरेटेड एट वेरी लो वोल्टेज। इट इज ऑपरेटेड, इट कैन बी ऑपरेटेड एट वेरी लो वोल्टेज। सो इट सेव्स इलेक्ट्रिसिटी, सो इट सेव्स इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड, एलईडी हैज लॉन्गर लाइफ इफ, एलईडी हैज लॉन्गर लाइफ इफ यूज्ड वेरी केयरफुली। एलईडी कभी खराब नहीं हो सकती अगर आप उसको केयरफुली यूज करो तो। एलईडीज हैज लॉन्गर लाइफ इफ यूज्ड केयरफुली। थर्ड एडवांटेज, दे कैन बी स्विच्ड ऑन एंड स्विच्ड ऑफ, दे कैन बी स्विच्ड ऑन एंड स्विच्ड ऑफ, दे कैन बी स्विच्ड ऑन एंड स्विच्ड ऑफ वेरी क्विकली। दे कैन बी स्विच्ड ऑन एंड स्विच्ड ऑफ वेरी quickly, so they used as blinkers, so they used as blinkers, मतलब उनका रिस्पॉन्ड बहुत क्विक होता है, एकदम ही स्विच ऑन एकदम ही स्विच ऑफ, मतलब कि वो बहुत जल्दी ब्लिंक कर सकती है। लेकिन ट्रेडिशनल बल्ब ऐसा नहीं करता, उसको हीट होने में थोड़ा टाइम लगता है और उसमें फिर वो कॉइल इंडक्टिंग इफेक्ट थोड़ा सा आ जाता है, इंडक्टिंग इफेक्ट कह रहा हूँ, इंडक्टर वाला पंगा बढ़ जाता है। लिखो आखिरी, इट इज वेरी लो कॉस्ट डिवाइस। एलईडी चीप होती है जनरली, इट इज वेरी लो कॉस्ट डिवाइस। ठीक है, ये कुछ चार पांच एडवांटेजेस है। ऐसे ही आप इसके यूजेस भी लिख सकते हो, दे आर वेरी लो कॉस्ट डिवाइस, लिख दिया। अगला लिखो जरा, यूजेस, एलईडी के यूजेस क्या अपने डेली लाइफ में। पहला यूज, दे आर यूज एज डेकोरेटिंग लाइट्स। फेस्टिव सीजन में हम डेकोरेटिंग लाइट्स के यूज करते हैं, जैसे शादी ब्याह जैसे घरों में हो तो बाहर लगा दी। दे आर यूज एज डेकोरेटिंग लाइट्स। दे कैन बी यूज एज नाइट लैम्प, दे कैन बी यूज एज नाइट लैम्प, फ्लैश लैम्प्स और टॉर्च लैम्प्स। नेक्स्ट लिखो जरा, दे कैन बी यूज्ड एज डिजिटल डिस्प्ले, दे कैन बी यूज्ड एज डिजिटल डिस्प्ले इन वॉचेस एंड कैलकुलेटर्स। दे कैन बी यूज्ड एज डिजिटल डिस्प्ले इन वॉचेस एंड कैलकुलेटर। नेक्स्ट लिखो, दे कैन बी यूज्ड एज ब्लिंकर्स, दे कैन बी यूज्ड एज ब्लिंकर्स। नेक्स्ट लिखो, दे कैन बी यूज्ड इन सीडी प्लेयर्स, दे कैन बी यूज्ड एज सीडी प्ले, दे कैन बी यूज्ड इन सीडी प्लेयर्स, लेजर प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स एंड रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस, एंड रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस। तो ये कुछ यूजेस एलईडी के यार, कहाँ का यूज कर सकते हैं, ब्लिंकर्स में यूज कर सकते हैं इसको, कि जल्दी से लाइट अगर, मतलब होता है ना कि ब्लिंक करना किसी चीज का, जैसे कि डेकोरेटिंग लाइट्स आजकल ब्लिंकर्स ही होती है बेसिकली, एकदम जल गई एकदम बुझ गई। और का यूज़ कर सकते हैं इसको हम, लेजर प्रिंटर में, सीडी प्लेयर में, जैसे कि वो सीडी प्लेयर में पहले जब देखो ब्लू लाइट निकलती थी उसके अंदर, कहीं में येलो लाइट निकलती है, कहीं में ग्रीन लाइट निकलती है, कहीं में ऑरेंज लाइट निकलती है। कभी आप लेजर प्रिंटर को देखना, जब भी आप लेजर प्रिंटर में किसी चीज़ को स्कैन करते हो तो एक लाइट ऐसे क्रॉस करती है, ग्रीन कलर की हो सकती है, येलो कलर की हो सकती है,
और का यूज कर सकते हैं डिजिटल स्क्रीन में, जैसे कि कैलकुलेटर की डिजिटल स्क्रीन होती है, जैसे कि हमारी जो स्मार्ट वॉचेज है उनकी स्क्रीन भी एलईडी होती है, कैपेसिटिव एलईडी स्क्रीन्स, ठीक है, कि मतलब उसमें क्या कलर्स निकलते हैं, ब्लू कलर की घड़ी होगी, ग्रीन कलर की होगी, येलो कलर, कलरफुल घड़ियाँ होती है जो, क्लियर है, तो वहाँ इनका मेन यूज़ होता है। ओके, आज कुछ रैंडम कंसेप्चुअल्स करते हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए, अब तक हमने इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं ट्राई किए बिल्कुल भी, अब तक थ्योरी करते जा रहे हैं और चैप्टर भी थ्योरेटिकल है, तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह की बाइसिंग है, फॉरवर्ड बाइसिंग है कि रिवर्स बाइसिंग है, ठीक है, तो मैं अभी कुछ क्वेश्चंस देता हूँ आपको करने को, कुछ डायोड बना देता हूँ पहले बहुत सारे, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पर है -5 वोल्ट और यहां पर है -7 वोल्ट, यहां पर है +2 वोल्ट और यहां पर है -3 वोल्ट, थर्ड में यहां पर है 0 वोल्ट और यहां पर है -2 वोल्ट, फोर्थ में यहां पर है -2 वोल्ट और यहां पर है +2 वोल्ट, फिफ्थ में यहां पर है अर्थिंग और यहां पर है 0 वोल्ट, सिक्स्थ में यहां पर है अर्थिंग और यहां पर है 1 वोल्ट। ओके, चलो देखते हैं कौन जज कर पाते हैं। हमको ये बताना है कि इन 6 कंडीशंस में कौन सा डायोड रिवर्स बाइसिंग में, कौन सा फॉरवर्ड बाइसिंग में, ठीक है, इसको ट्राई करते हैं, एक बार बना लो जरा, फिर हम इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो देखिए आइडेंटिफाई करें। ओके, पहला क्वेश्चन बताना जरा। अच्छा, सबको ये तो पता है ना कि इसका मतलब है P और इसका मतलब है N, है ना। चलो, अब कंफ्यूजन देखो कितनी बड़ी है, P भी नेगेटिव से कनेक्टेड है, N भी नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो फिर कैसे बाइसिंग का पता लगे। हमने ना ये पढ़ा था, देखो हमने ये पढ़ा था, अगर मैं P को कनेक्ट कर दूंगा पॉजिटिव से और N को कनेक्ट कर दूंगा नेगेटिव से, तो होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा करेक्ट करने की जरूरत है, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा करेक्ट करने की जरूरत है। अगर मैं देखूं कि P अगर हमेशा पॉजिटिव से हो और N हमेशा नेगेटिव से हो, तब तो मैं ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकता, ना ये कर सकता, ना ये कर सकता। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, इसको देखने का एंगल क्या है। मैं बोलूंगा P कनेक्टेड हो किससे, हाई पोटेंशियल से, और N कनेक्टेड किससे हो, लो पोटेंशियल से। यार सुन, एक लाइक क्वेश्चन और देता हूं तेरे को, ले 7th क्वेश्चन भी बना देता हूं। ये का डायोड है, ठीक है, ये 2 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है। अब बताओ, तो दोनों ही पॉजिटिव है। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब होता है कि P कनेक्ट हो हाई पोटेंशियल से और N कनेक्ट हो लो पोटेंशियल से, तभी वो फॉरवर्ड बाइसिंग में माना जाएगा। सेम वे में अगर P कनेक्ट हो लो पोटेंशियल से और N कनेक्ट हो हाई पोटेंशियल से, तो वो माना जाएगा रिवर्स बाइसिंग में। वरना जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, मैं ये बोल सकता हूँ P कनेक्टेड हो किससे, नेगेटिव से, और N कनेक्टेड हो किससे, तो हमने रिवर्स बाइसिंग पढ़ा था, ठीक है। समझाने के लिए तरीका ठीक था, पाँव से पाँव मिलाओ, नैनो से नैन मिलाओ, आगे बढ़ते जाओ, लेकिन
लॉजिकल बात तो ये है, ठीक है, ये बात मैंने आपको अभी करेक्ट कर दी। मैं गुनहगार तब होता आपको जब बताता ना, चैप्टर खत्म कर देता, ठीक है, क्योंकि वहां पर पीएन जंक्शन में तो हमने टर्मिनल्स वही लगाने होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन जब क्वेश्चंस ऐसे फॉर्म में आते हैं तब आपको कंफ्यूजन हो जाती है, अगर आपको ये बात ना पता हो। क्लियर है? अब सुन, -5 वोल्ट और -7 वोल्ट में ज्यादा नेगेटिव कौन है? -7। कम नेगेटिव कौन है? ज्यादा पोटेंशियल किसका हुआ? -5 का। -5 का पोटेंशियल ज्यादा हुआ और -7 का पोटेंशियल कम हुआ। मैं बोलूंगा कि ये वाला जो है ये किस में है? फॉरवर्ड बायसिंग में है। पहला हो गया। अच्छा, अब ऐसी ना, पहले के बाद जरा सातवां क्वेश्चन देखो। ये 2 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, हाई पोटेंशियल पे कौन है? हाई पोटेंशियल पे एन है कि पी है? अरे 4 वोल्ट इज हाई पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल पर अगर एन हो तो ये क्या हुआ? रिवर्स बायसिंग। ठीक है, हो गया ये भी। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आए। सेकंड क्वेश्चन बताएगा मुझे अमन, ये 2 वोल्ट है -3 वोल्ट? अरे यार, ये तो साफ पता लग गया, पी से पॉजिटिव एन से नेगेटिव, ये क्या हुआ? फॉरवर्ड बायस। ठीक है, ओके, हिमांशी 0 वोल्ट और -2 वोल्ट? 0 हाई पोटेंशियल हुआ कि -2 वोल्ट हाई पोटेंशियल हुआ? 0 हाई पोटेंशियल हुआ। एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि एन नेगेटिव से ही कनेक्टेड है और 0 क्या, एक तरह से बोल सकता, तो इसको ही बोलूंगा क्या? फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, ये -2 वोल्ट ये +2 वोल्ट? रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग, आप तब तक गोली एकेडमी कर दो। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन, ये अर्थिंग और ये 1 वोल्ट, अब बता अर्थिंग का मतलब क्या होता है? जानते हो अर्थिंग का मतलब होता है? गलत यार, अर्थिंग का मतलब होता है 0 वोल्ट। अर्थिंग का मतलब होता है कि 0 वोल्ट पर है ये 0 वोल्ट, ये 1 वोल्ट, फॉरवर्ड या रिवर्स? क्योंकि P है लो पोटेंशियल पर और ये क्या है? हाई पोटेंशियल पर। ये भी क्या होगा? रिवर्स बायसिंग। आर भी लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या रह गया ये वाला? अब ये भी बता दो फिर, इसको बोलूंगा मैं अनबायस्ड। ठीक है, ना तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में ना रिवर्स बायसिंग में, अनबायस्ड है। क्या समझ पाए क्वेश्चन? समझ पाए? ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है आपको पेपर में, इसलिए बना लो इसको, ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, बस ये बात लिख लेना साइड में, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल का कंसेप्ट। ओके, वन क्वेश्चन इज देयर, वन इनफैक्ट 2 क्वेश्चन है। आपने ये बताना है कि फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर। पहला सर्किट डायग्राम है कुछ ऐसा, 2 डायोड को सीरीज में कनेक्ट कर दिया ऐसे, और जो रजिस्टर है वो है 20 ओम का, जो वोल्टेज है वो क्या है? 2 वोल्ट। फर्स्ट सर्किट। सेकंड सर्किट में हमने क्या किया, डायोड को सीरीज में ही रखा, और वही 2 वोल्ट है दोबारा से। ठीक है, दिस इज 20 ओम, दिस इज D1, दिस इज D2, दिस इज D1, दिस इज D2। सर्किट डायग्राम बनाओ जल्दी से। क्वेश्चन वही है, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर इफ डायोड्स आर कनेक्टेड इन दिस मैनर। कैसे करेंगे क्वेश्चन से वाले बताओ। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है ये भी, देखे
बताऊं या करोगे ट्राई? करो करो ट्राई करो, शाबाश। डायोडीन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। चलो मैं आपको एक एक हिंट दे रहा हूं, एक हिंट दे रहा हूं। हिंट ये है, डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग ऑफर नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस। या मैं ये बोलूंगा कि जब भी डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है उसका रेजिस्टेंस हम काउंट ही नहीं करते, क्योंकि बहुत ज्यादा करंट देता है वो, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? नेग्लेजिबल हो जाता है, ठीक है, ओके। और हिंट ये भी है, डायोड इन रिवर्स बायसिंग ऑफर लार्ज रेजिस्टेंस। टू ऑर्डिनरी वोल्टेज क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड तो टूटते नहीं ऑर्डिनरी वोल्टेज पर, बहुत ज्यादा वोल्टेज चाहिए, ठीक है। ये हिंट है, अब हिंट पे अगर कर दिया तो कर दिया, अदरवाइज फिर तो समझाना पड़ेगा इसको। देखे बताऊं संजीत, देख पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखे एक बार। यहां से करंट निकलेगा आई, यहां से करंट निकलेगा आई। देख डायोड डी वन तो किस कंडीशन में है? क्योंकि पी से पॉजिटिव एंड कनेक्टेड है और एन से नेगेटिव एंड कनेक्टेड है, लेकिन जैसे ये करंट इसको क्रॉस कर लेगा, है ना, ये इट विल नॉट ऑफर एनी रेजिस्टेंस। व्हाई? बिकॉज इट इज इन फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन। डी वन ने तो रास्ता दे दिया, भाई तू जा अपना भाई है। लेकिन यहां पर डायोड डी टू का नेगेटिव एंड ये रहा, मतलब एन टाइप ये रहा, एन टाइप किससे कनेक्टेड है? तो ये वाला जो डायोड है ये क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा करंट को, जाने नहीं देगा आगे, क्योंकि ये क्या लार्ज रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ये करंट तभी फ्लो कर सकता है ना जब इसके कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ दे ये, और कौन सा करंट बन जाए? वो रिवर्स करंट बन जाए, लेकिन बन ही नहीं सकता क्योंकि वोल्टेज तो 2 वोल्ट है सिर्फ। इसलिए इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा? क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट है ये एक तरह से, यहां पर ब्लॉकेज आ गई, समझे। आई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? एक तरह से इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जब भी डायोड लगे हो आमने सामने तो कभी भी करंट फ्लो नहीं करता ऐसे। बात समझ आई ये वाली? ओके, सेकंड में देखे जरा। सेकंड में करंट फ्लो करा आई, यहां पर भी करंट गया आई। डी वन किस में है? फॉरवर्ड बायसिंग में। ओके, करंट यहां पर गया, उसके बाद दोबारा से डी टू का ये पॉजिटिव किससे, पी किससे कनेक्टेड है? तो करंट फ्लो कर जाएगा, करंट फ्लो कर जाएगा। अब करंट निकालना है ना, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? वी बाय वोल्टेज कितनी थी, आर कितने, 20। तो यानी कि कितना आ जाएगा ये 2 बाय में 20, यानी कि करंट कितना आ जाएगा? 0.1 एम्पियर करंट इसमें फ्लो कर जाएगा। हो गया क्वेश्चन, तो ये करना था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस आपको देखना होता है कि डायोड्स की शक्ल कैसी है, मतलब कैसे लगे हुए है वो। एक और क्वेश्चन देता हूँ फिर, ऐसा ही प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन ही वाला। सर्किट में जब डायोड आ जाए तो उनसे डील करना आना चाहिए आपको। लिखना ये डी वन इन फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन, डी टू इन रिवर्स बायसिंग कंडीशन। ये देखिए रहा, ये देखिए लिखा हुआ है, डायोड इन रिवर्स बायस ऑफर लार्ज रेजिस्टेंस टू ऑर्डिनरी वोल्टेज, सो इट विल ब्लॉक करंट। इसमें क्या लिखना है? इट विल ऑफर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, तो करंट ये होगा। लिखो इसको, पूरा पूरा टाइम मिल रहा है। एक और सर्किट बनाऊंगा, चलो एक और सर्किट बना के देता हूं अब। हिंट रब कर दो। ओके, क्वेश्चन यही है अभी भी, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर। सर्किट है कुछ ऐसा, डायोड को पैरेलल में लगा देता हूं अब आपके लिए।
दिस इज 1 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज D1, दिस इज D2, दिस इज 6 वोल्ट. क्वेश्चन इज अगेन सेम, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर्स. करंट नेट करंट बता दो कितना होगा जी. इस क्वेश्चन में बता दो कि नेट करंट कितना होगा. कितना आया? 0.5 आ रहा करंट. चलो देखते हैं. हर्ष क्या आ रहा बेटा करंट? चलो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ये बताओ कि डायोड कौन सा रिवर्स बाइसिंग में, कौन सा फॉरवर्ड बाइसिंग में? D1 फॉरवर्ड बाइसिंग में. D1 तो रिवर्स बाइसिंग में. देखो P से क्या कनेक्टेड है? नेगेटिव. ये वाला डायोड किस में है? चलो सपोज करंट I निकला यहां से, ये निकला करंट I यहां से. अब इस सर्किट में करंट जाना प्रेफर करेगा? अरे यार यहां पर कोई करंट जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा करंट. क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहां पर तो ब्लॉक हो जाएगा ये. यानी कि जितना भी करंट है वो सारा कहां से फ्लो कर जाएगा? यहां से फ्लो कर जाएगा. ऊपर तो हाई रेजिस्टेंस है ना, तो इस पर्टिकुलर लूप में कोई करंट जाएगा ही नहीं ऊपर, क्योंकि यहां तो ब्लॉक हो जाएगा ना करंट ऊपर जाकर. यानी कि यह क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है. देखो ये रहा क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना बनाने की जरूरत थी. दिस इज द क्वेश्चन लाइक दिस. 2 ओम, 1 ओम, 6 वोल्ट. क्या इसको सोल्व नहीं कर सकता मैं? ये लो एक करंट जा रहा है आई. 1 ओम और 2 ओम आपस में सीरीज में करंट, क्योंकि दोनों के थ्रू सेम है. इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम प्लस 1 ओम, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 3 ओम आ गया. ठीक है. टोटल वोल्टेज कितनी है? 6 वोल्ट. करंट क्या होगा? V/R, यानी कि V 6/R, यानी कि 3, यानी कि कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर करंट. हो गया क्वेश्चन. अब यानी कि मैं कैसे मर्जी डायोड लगा कर दे दूं, आप पता लगा लोगे. जहां पर भी डायोड रिवर्स बाइसिंग में वहां पर करंट नहीं जाएगा. समझे? चलो एक और क्वेश्चन देता हूं फिर, अगर ऐसी बात है तो. 6 ओम, 12 ओम, 1 ओम. और यहां पर हमने एक सेल जोड़ दिया इस जगह पर 5 वोल्ट का. ठीक है, कुछ ऐसे. दिस इज 2 ओम. ठीक है, क्वेश्चन वही है. फाइंड टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट ए बी सी डी ई. जीरो करंट आएगा. सोचो रिवर्स बाइसिंग में जीरो करंट आएगा. देखते हैं, देखते भाई देखते हैं. चलो सिचुएशन देखिए. मुझे ऐसा लगता है कि करंट यहां से निकलेगा आई, लेकिन इस पॉइंट पर करंट डिवाइड हो जाएगा.
जंक्शन है, यहां पर निकल जाएगा करंट I1 और यहां पर निकल जाएगा करंट I2, फिर I2 करंट यहां पर ऐसे आएगा घूमकर, I1 करंट यहां पर आएगा, देख I1 करंट ऐसे गया, I2 करंट ऐसे गया, उसके बाद इन करंट ने कहां पर मिलने, यहां पर बन जाएगा I1 प्लस I2, लेकिन यही करंट यहां पर क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। क्यों ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि ये P से नेगेटिव, N से, इस सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, करंट ही फ्लो नहीं करेगा। सर्किट कैसा बना रखा है देखना, आई यहां से गया, आई वन ऐसे निकल गया, आई टू ऐसे निकल गया, अब यहां से ये इनकमिंग करंट है तो आउटगोइंग करंट यहां पर मिलेगा, लेकिन जो आउटगोइंग करंट होगा उसको ये क्या कर देगा, तो ये ऐसे काम ही नहीं करेगा, मैं बोलूंगा नेट करंट जीरो है। सर्किट में समझ आ गया सब चीजें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा करंट की वैल्यू मिले, हो सकता है कि डायोड मैंने ऐसे लगा रखा हो कि वो चले ही ना, लेकिन अगर इसको मैं ऐसे घुमा दूंगा तो बात बन जाएगी, अगर इसको रिवर्स करके लगा दूंगा तो बात बन जाएगी। तो सर्किट्स में समझ पा रहे हो डायोड्स को, अभी विवेक जब बात वो घुमा देंगे उसको तो उसको लेंगे जो सेट है। हाँ लेंगे, बिल्कुल लेंगे, तब तो सब कुछ काउंट हो रहा है ना। देखना टू ओम को क्यों लूंगा, क्योंकि इसके अक्रॉस देख पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। फिर मैं किरचॉफ लॉ से सोल्व कर दूंगा इसको, किरचॉफ लॉ भी तो आना चाहिए मुझे, किरचॉफ लॉ से कर दूंगा इसको, वरना ये पैरेलल में पता लग रहा है मुझे, पैरेलल से सोल्व कर दूंगा इसको। दीज रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, पैरेलल में क्यों, क्योंकि दोनों को करंट अलग अलग मिल रहा है, टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा, टोटल वोल्टेज एरिया, टोटल करंट आ जाएगा। चल तेरी बात को हम थोड़ा सा समझते हैं और ऐसा कर देते हैं, मान लो कि डायोड को मैंने इंटरचेंज करके ऐसा कर दिया, ऐसा लगा दिया, फॉरवर्ड बायसिंग में आ गया, तो मैं देखूंगा कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है। फिर इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है 2 और 6 जो कि पैरेलल में है, तो 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 6, एलसीएम क्या आएगा 12, यार चलो 6 ले लेता हूँ एलसीएम, यानी कि 3 प्लस 1 यानी कि 4 बाय 6, यानी कि 6 बाय 4 इज इक्वल टू आर, यानी कि 3 बाय 2, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना है 3 बाय 2, वोल्टेज कितनी है 5, तो करंट क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 5 डिवाइड बाय 3, और ये 2 ऊपर चला गया यानी कि 10/3 एम्पीयर करंट फ्लो करेगा जी, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे उल्टा लगा दूंगा, क्या कहानी समझ आई ये वाली, सर जो ये ब्लॉक तो हो जाता है, इसको लिखे कैसे, डायोड कम्स इन रिवर्स बायसिंग कंडीशन बिकॉज इट्स पॉजिटिव एंड कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल, सो इट विल नॉट अलाउ करंट टू फ्लो, सर्किट इज इनकम्प्लीट, ठीक है। बात समझ आई सबको, चलो आगे चले इससे। अब क्या किसी के पास प्रीवियस ईयर पड़ा है, अभी 10 ईयर्स है किसी के पास अभी इस वक्त, नहीं है, चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन के एक दो टर्म समझा देता हूँ मैं। चलो की पॉइंट बना लो, चलो एक फिर कुछ काम की बात और बताता हूँ। की पॉइंट ये है, इन केस ऑफ कंडक्टर्स वी विल गेट स्ट्रेट लाइन इन VI ग्राफ लाइक दिस, दिस इज VI ग्राफ। सो हम यहां पर निकालते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस का मतलब RS, यानी कि V बाय में I कर देते हैं हम सीधा सीधा, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, कहीं भी वोल्टेज कहीं भी करंट से डिवाइड कर दो, एक ही वैल्यू, स्लोप सेम है यहां पर, है ना। लेकिन इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर वी विल गेट ग्राफ्स लाइक दिस, कर्वी ग्राफ मिलते हैं अपने को, कुछ ऐसे ग्राफ मिलते हैं IV के, है ना। तो अपने को यहां पर ये देखना होता है कि यार इस वोल्टेज पर तो वैल्यू करंट की इतनी थी, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर इतनी हो गई, है ना। तो यहां पर हम निकालते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस, मतलब कि रेजिस्टेंस फ्लेक्सिबल है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है,
अरे करंट कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है वोल्टेज के साथ, तो मैं बोलूंगा रेजिस्टेंस कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है किसी भी पीएन जंक्शन का, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस को बोलते हैं हम आरडी। और फॉर्मूला क्या होता है, वी टू माइनस वी वन अपॉन में आई टू माइनस आई वन, चेंज इन वोल्टेज अपॉन में चेंज इन करंट देखते हैं। इस पर क्वेश्चन कराता हूँ ताकि क्लैरिटी आए। सेमीकंडक्टर में डायनेमिक रेजिस्टेंस निकाले जाते हैं और कंडक्टर्स में स्टैटिक रेजिस्टेंस निकाले जाते हैं। स्टैटिक मतलब कि किसी भी पॉइंट पर फिक्स उंगली रख दे वहीं पर रेजिस्टेंस निकाल सकता है तू। लेकिन सेमीकंडक्टर में यहाँ उंगली रखेगा तो रेजिस्टेंस कुछ हो रहा है, यहाँ रखेगा तो कुछ हो रहा है, यहाँ रखेगा तो कुछ हो रहा है। कंडक्टर्स में कहीं मर्जी तू टच कर दे, सब जगह रेजिस्टेंस सेम है, स्लोप सेम है। ठीक है, ओके, ठीक है। क्वेश्चन लिखो जरा इसके ऊपर, फिर एक क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्वेश्चन इज इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम जीरो टू, क्वेश्चन में लिख देता हूं बोर्ड पर, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 टू 0.65 वोल्ट, करंट इन डायोड चेंजेस फ्रॉम, करंट इन डायोड चेंजेस फ्रॉम 0 टू 5 मिली एम्पियर, कैलकुलेट डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय पीएन जंक्शन डायोड, कैलकुलेट डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय पीएन जंक्शन डायोड। निकाल लो जरा इसको, करो ओके। तो यहां पर अपने को निकालना डायनेमिक रेजिस्टेंस इस क्वेश्चन में, देख लेते डायनेमिक रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा। देखो यार, मुझे पता है कि डायनेमिक रेजिस्टेंस का मतलब ये है, फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज अपॉन में फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, या मैं बोल दूं डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा आई इज डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज बाद में कितनी हो गई, 0.65 माइनस जीरो, इनिशियली जीरो थी, अपॉन में 5×10⁻³ मिली एम्पियर है ना, माइनस जीरो। तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, 65×10⁻²⁻² डिवाइड बाय 5×10⁻³। ऐसे तो करना है ओके। तो सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, 13×10⁻¹, अरे 13 यानी कि रेजिस्टेंस कितना आएगा, 130 ओम आएगा। क्लियर है, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं यार, आज बच्चे भी थोड़े कम है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोटोडायोड और सोलर सेल। ठीक है, तो सिर्फ एक लेक्चर और लगेगा और चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा, एक लेक्चर में ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सेकेंड लास्ट लेक्चर था आपका, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।